हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब दोस्त। बहुत ही खूबसूरत एकादशी है। लोक परलोक अन्न धन सबका सुख मिलता है इस एकादशी को करने से। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में एक वयोवृद्धा ब्राह्मणी थी जो भगवान के नित्य नेम कर्म करती और अपना अधिक समय प्रभु के नाम सिमरन में व्यतीत करती थी। अपना जीवन यापन इसी प्रकार वो करती थी और धर्म का आचरण करते हुए अनेक व्रत करती। उसने कन्याओं को वस्त्र दान, ब्राह्मणों को भूमि दान भी किया था। व्रत आदि करने से वह शुद्ध आत्मा काफी निर्बल हो गई थी। एक दिन भगवान ने उसका कल्याण करने के लिए साधु का वेश बनाया और उसके द्वार पर जाकर भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने उस साधु से पूछा कि वह कौन है और कहां से आए हैं। बार बार पूछने पर भी उसके प्रश्न का भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब वो वृद्धा चिढ़ गई और उसने गुस्से में एक मिट्टी का ठेला साधु वेश में खड़े हुए भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। उसके कर्मों के अनुसार उसे अंत में स्वर्ग लोक में स्थान तो प्राप्त हुआ, परंतु उसे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला, जिस कारण वह स्वर्ग में रहते हुए भी अशांत रही। एक दिन उसने रोते रोते भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, उसने किसी भी ब्राह्मण को अन्न का दान नहीं किया, इसी कारण उसे स्वर्ग में स्थान तो मिला परंतु खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वृद्धा ने अपने दुख का निवारण पूछा तो भगवान ने उससे कहा कि जब देव स्त्रियां मिलने आए तो उन्हें दरवाजा न खोलना, बल्कि उनसे षट तिला एकादशी की महिमा पूछने के बाद ही दरवाजा खोलना। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और षट तिला एकादशी व्रत के बारे में जाना। उसने नियम से षट तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे रूप, यौवन, तेज, कांति के साथ साथ अन्न धन और अनेक प्रकार की भोजन सामग्री भी प्राप्त हुई। दोस्तों, ये व्रत दुर्भाग्य को, गरीबी को, कलह क्लेश को दूर करने वाला तथा तिल दान से सभी प्रकार के सुखों को देने वाला कहा जाता है। कहा जाता है कि कोई जितने अधिक तिलों का दान करता है उसे उतने अधिक जन्मों तक सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको भी षट तिला एकादशी पर अगर आप धन धान्य में वृद्धि चाहते हैं तो आपको थोड़े थोड़े काम जरूर करने चाहिए। आज शुक्रवार 12/1 यानी कि 12 जनवरी को माघ कृष्ण 11 को षट तिला एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है और इस दिन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किए जाने का विधान है, इसलिए हम इसे षट तिला एकादशी कहते हैं। और दोस्तों, इस दिन तिल से स्नान, तिल की उपटन, तिल ओदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान और भगवान विष्णु को तिल के लड्डू बना करके उनके भोग लगाने का विधान है। इस तरह से 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षट तिला एकादशी कहलाता है। इस दिन काले तिलों का दान करें और भगवान विष्णु का काले तिलों से आपको पूजन जरूर करना चाहिए। तिल मिश्रित पंचामृत से भगवान नारायण को स्नान कराएं। सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने नारद मुनि को षट तिला एकादशी का महात्म बताया था। पुलस्य ऋषि ने दलभ ऋषि को षट तिला एकादशी का विधान बताया था, जिसके अनुसार माघ कृष्ण एकादशी को विष्णु के निमित्त व्रत रखकर गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल से विष्णु का षोडश उपचार पूजन करना चाहिए। पूजन करके उन्हें तिल मिश्रित उड़द की खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और रात में तिल से 108 बार विष्णु मंत्र का हवन करना चाहिए। विष्णु मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से विष्णु भगवान का रात के समय आप हवन कर सकते हैं। छोटे से पात्र में एक गोबर का कंडा ले लें, उसमें थोड़े से घी और थोड़े से काले तिल से 108 बार मंत्र बोलते हुए हवन करें। दोस्तों, षट तिला एकादशी पर भगवान विष्णु के विशेष पूजन, व्रत और उपाय से आरोग्यता प्रदान होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है और वैभव की प्राप्ति होती है। आपको कुछ उपाय बता देती हूँ दोस्तों, मैंने पहले भी दूसरे वीडियोस में बताया है, फिर बता देती हूँ आपको। शाम के समय आपको घर की उत्तर पश्चिम दिशा में गुलाबी रंग का कपड़ा ले लेना है, उस पर भगवान विष्णु का चित्र स्थापित कर लें और षोडश उपचार पूजन करें। आटे के दिए में इस इत्र मिले हुए
गौ घृत का दिया करें। क्या करना है आपको, एक दिया आप ले लें, आटे का दिया बना लें, उसको नॉर्मल एक दिया बना लें, आटा गूंथ लें, जिस तरह से आटा नॉर्मल आप रोटी बनाने के लिए गूंथते हैं, थोड़ा सा कड़ा रखें आटा को, और उससे एक दिया आपको बना लेना है। इसमें आपको गाय का घी डालना है और नॉर्मल रुई की बाती डालनी है, और साथ ही साथ दो ड्रॉप कोई भी इत्र, या जो परफ्यूम हम कहते हैं दोस्तों, परफ्यूम में अल्कोहल होता है लेकिन इत्र प्योर होता है, प्योर सुगंध होती है, तो इत्र की दो बूंद आप इस गाय के घी में मिला करके फिर आप विष्णु भगवान को दीप करें, और गुलाब की ही अगरबत्ती या धूप जलाएं, गुलाब के फूल चढ़ाएं और अबीर चढ़ाएं, थोड़े से गुलाल अबीर जो होते हैं पिंक कलर के वो चढ़ाएं, शक्कर और तिल की रेवड़ियों का भोग लगाएं, चाहे तो गुड़ और तिल के भी लगा सकते हैं, और चंदन की माला लेकर के एक मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र कौन सा है पहले भी बता चुकी हूँ आपको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जप करना है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दिन है, और आज के दिन अगर आप गुलाबी रंग का कोई भी काम करते हैं दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ओम घनश्यामाय नमः, आप इस मंत्र का भी आज जप करें तो सर्व मनोकामना पूर्ति हेतु ये मंत्र किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप तिल और उड़द दाल की खिचड़ी बना लें, उसका आज आप विष्णु भगवान को भोग लगाएं, और साथ ही साथ पूरे थोड़ी सी खिचड़ी दान करके पूरे परिवार के साथ उसको आप भी ग्रहण करें, तो माना जाता है आपकी जो भी अगर मनोकामना हो, बहुत दिनों से अटकी पड़ी हो, पूरी नहीं हो रही हो, वो सभी पूर्ण होती है। दोस्तों अगर आज आपकी एनिवर्सरी है या बर्थडे है या कोई भी आप अच्छा नया काम शुरू करने जा रहे हैं, धन धान्य में वृद्धि चाहते हैं, तो विष्णु भगवान पर आप तिल चढ़ाएं, और फिर तिल चढ़ाने के बाद उसे थोड़े से आप गुलाबी वस्त्र 20 सेंटीमीटर पिंक कलर का कोई कपड़ा ले लें, और उसको बांध करके आप अपने किचन में रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में धन की बरकत नहीं होती है या खाने पीने में बरकत नहीं होती है, खाना अक्सर वेस्ट होता है, तो आप ये काम किचन में कर सकते हैं। दोस्तों एक आपको आज मैं महा टोटका बता देती हूँ, एकादशी का सुपर टोटका है दोस्तों, वैभव की प्राप्ति के लिए आपको तिल मिला हुआ पंचामृत, क्या करना है आपको, विष्णु भगवान की मूर्ति ले लें, या फिर आप लड्डू गोपाल के साथ भी ये काम कर सकते हैं, या फिर आप कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, जो भी स्वरूप में आपके पास भगवान की मूर्ति हो, उनको ले करके आपको थोड़े से पंचामृत बनाना है। पंचामृत क्या क्या है, दूध दही घी चीनी और शहद, ये पाँचों चीज़ें करके बारी बारी से पहले आप भगवान को स्नान कराएं, इसके बाद एक साथ सारी चीजें मिक्स करके उसमें थोड़े से काले तिल डाल लें, और फिर उससे आप भगवान का स्नान कराएं। पूरे समय आपको बोलते जाना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार स्नान करके आपको भगवान को अभिषेक करना है। आप देखेंगे दोस्तों आपको वैभव की प्राप्ति होगी, सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी, और आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख इस उपाय से दूर हो जाते हैं। दोस्तों षट तिला एकादशी है, और षट तिला एकादशी पर आप तुलसी की पूजा अगर शाम के वक्त करते हैं, पांच जगह आप घर पे कहीं पे भी दिया जलाते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। पीपल के पेड़ के नीचे आप पीपल की पूजा करें आज, और पीपल के पेड़ पर शाम को अगर आप पूजा नहीं भी कर सकें, तो कम से कम शाम के वक्त जा करके वहाँ एक दीप आप जला करके आएँ। और दोस्तों इसके बाद आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, शाम को लक्ष्मी माता के साथ आप पूजा करें तो भी आपके लिए अत्यंत लाभदायक होता है। तुलसी पर दीप करना बहुत लाभदायक होता है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि वैष्णवों को वर्ष भर 8 महाद्वादशियों का व्रत का भी पालन करना चाहिए। इस बार अगर आप एकादशी नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको षट तिला एकादशी की बजाय आप महाद्वादशी का पालन भी कर सकते हैं। 13 जनवरी को है और उसका पारण आपका 14 जनवरी को होगा। दोस्तों षट तिला एकादशी से अधिक पुण्य देने वाला है पक्षवर्धिनी महाद्वादशी व्रत, और भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को सदा ही एकादशी और द्वादशी के व्रत का पालन सच्चे भाव से करना चाहिए। इससे बिना मांगे ही भक्तों को सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों प्रतिदिन दीप दान का महत्व होता है, परंतु एकादशी और महाद्वादशी पर आप दीप दान करेंगे तो रात और रात्रि संकीर्तन करेंगे, भगवान का रात में जप करेंगे, परिवार सहित बैठकर 5 मिनट
बेटी सही कीर्तन ध्यान करेंगे तो दोस्तों आपको इसका फल शास्त्रों में बहुत ही ऊंचा बताया गया है। दोस्तों सुख और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 पत्तियों वाला दीपक आप आज अर्पित कर सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर तांबे का सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर लगाने से भी घर में धन समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों कर लीजिए ये उपाय और कल सुबह उठ करके पीपल तुलसी और सूर्य देव को जल चढ़ाना ना भूलें। सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। शनिवार के दिन शाम चीजें यानी काले रंग की चीजें का दान करें। पशुओं को रोटी खिलाएं। ध्यान रखें दोस्तों घर का कोना कोना साफ सुथरा रखें और मुख्य द्वार को अगर आप खूबसूरती से सजाते हैं तो आपके घर में धन संपत्ति वैभव का वास सदा बना रहता है। कर लीजिए उपाय दोस्तों और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे जो भी एकादशी का पालन करते हैं दोस्तों उन सभी से इन वीडियोस को जरूर शेयर करें क्योंकि बहुत ही खूबसूरत एकादशी है और उससे भी बढ़कर सुपर द्वादशी है। दोस्तों अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे लिख के जरूर पूछ लें और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की एंड जय विष्णु भगवान की।